बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हम हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है टॉप 5 खबरों का, ये हर रात 8 बजे आपको एपिसोड से पहले ही वो अनसुनी बातें बता देता है जो शो से रिलेट करती है, जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपको यही मिलती है। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से जो पहली खबर सामने आ रही है वो है सीक्रेट रूम को लेकर। जी हाँ, रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य जी दो बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं और घर से बेघर हो चुके हैं। ऐसे में मेकर्स इन दोनों को लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और वो अपने शो की टीआरपी को भी नहीं गिराना चाहते हैं, इसलिए वो इन दोनों को बिग बॉस सीजन 13 के सीक्रेट रूम पे रख सकते हैं और फिर कुछ समय बाद इन्हें वापस घर में बुला सकते हैं। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो ये है कि जैसा कि पहले कहा गया था कि 7 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री लेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि 7 नहीं बल्कि 6 कंटेस्टेंट ही घर में एंट्री लेने वाले हैं। उनमें शामिल हैं खेसारी लाल यादव, तहसीन पुनावाला, शेफाली जरीवाला, हिमांशी खुराना, अरहान खान और हिंदुस्तानी भाव। इसके बाद जो अगली खबर है वो है सलमान खान की तबीयत को लेकर। जी हाँ, इन दिनों सलमान खान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपने अभी हाल ही के प्रोमोस में देखा भी होगा कि सलमान खान की आवाज दबी हुई नजर आ रही है, उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी खराब तबीयत के बावजूद भी उन्होंने वीकेंड का वार शूट किया सिर्फ अपने फैंस के लिए। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो ये है कि 5 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री ले चुके हैं। जी हाँ, हिमांशी खुराना, शेफाली जरीवाला, तहसीन पुनावाला, खेसारी लाल यादव और हिंदुस्तानी भाव ये अभी तक घर में पहुंच चुके हैं और घर वालों से इनकी मुलाकात हो गई। इनकी एंट्री बेहद ही धमाकेदार रही, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर की और साथ ही बाकी घर वालों को ये बताया कि वो उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो सलमान खान को लेकर ही है। दरअसल सलमान खान एक बार फिर से मेकर्स से नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी की वजह है घर में होने वाले टास्क। जी हाँ, सलमान खान के अनुसार मेकर्स जानबूझकर ऐसे टास्क दे रहे हैं घर वालों को जिनमें उन्हें पता है कि टास्क को जीतेगा कौन। जैसे कि अभी हाल ही में घर में हुआ था फर्स्ट फिनाले के लिए टास्क, फूड डिलीवरी टास्क, इसमें एकदम क्लियर था कि घर में लड़कियां जितनी भी हैं वो सारी पारस को सपोर्ट करेंगी और पारस माहिरा को चूज करेगा और ये मेकर्स को पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा टास्क दिया जहाँ पर ऑलरेडी जो विनर था वो डिसाइडेड था और जो डिजर्विंग लोग थे वो इस टास्क में आगे जाने से रह गए और सलमान खान ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई भी है मेकर्स के सामने। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें जो कि आपको एपिसोड आने से पहले ही अपडेट कर देती है कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो इसी तरह से आप हर रोज रात 8 बजे की टॉप 5 खबरें रोजाना देख सकते हैं और बिग बॉस के स्टेटस सीजन से जुड़ी ऐसी ही और भी कई टेढ़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।